सब्सक्राइब कीजिए मृणाल्स किचन एट चैनल को और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट रेसिपी की वीडियो अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मैंने यहाँ पैन में एक चम्मच बटर ले लिया है। बटर की जगह आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर जैसे ही मेल्ट होना शुरू हो गया है, मैंने इसमें दो तेज पत्ते, एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा और 4 से 5 लौंग इसमें मैंने मिला दिए हैं। सबसे पहले हम इन सूखे मसालों को बटर में भून लेंगे। इसी समय मैंने एक प्याज लिया है जिसे रफली चॉप किया है, वो भी इस बटर में मिला लूंगी। प्याज को भी हम यहाँ भून लेते हैं। इसी के साथ लहसुन की 2-3 कलियाँ जिसे मैंने बारीक काट लिया है, वो भी हम प्याज में मिला लेंगे और प्याज के साथ इसे भी भून लेंगे। प्याज को हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, हल्का ट्रांसलूसेंट होते तक ही हमें इसे पकाना है। अब इसमें मैं एक गाजर का छोटा टुकड़ा जिसे मैंने बारीक काट लिया है वो मिला रही हूँ और साथ ही में बीटरूट का छोटा टुकड़ा वो भी इसमें मिला लूँगी। बीटरूट और गाजर बच्चे वैसे भी खाना पसंद नहीं करते हैं, तो हम अगर सूप के साथ उन्हें दे देंगे तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा और मम्मियों का सेटिस्फेक्शन भी हो जाएगा। अब इसी समय मैंने 4 टमाटर लिए हैं जिसे रफली चॉप किया है, वो भी अब इन सब के साथ मिला लूँगी और इसे भी हम पका लेंगे। साथ ही में इन्हें जल्दी से पकाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लूँगी। नमक मिलाने से टमाटर यहाँ बहुत जल्दी पक जाएंगे। देखिए मैंने अभी इसमें नमक भी मिला लिया है। बीटरूट और गाजर मिलाने से एक फायदा ये होगा कि सूप तो हेल्दी होगा ही, साथ ही में इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। आर्टिफिशियल कलर मिलाने की भी हमें यहाँ कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। अब मैं टमाटर को और जल्दी पकाने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी मिला रही हूँ। अगर इसी समय आप चाहे तो इसे लीड लगा के भी पका सकते हैं। टमाटर को अच्छे से पकने के लिए 6 से 7 मिनट का तो टाइम लग ही जाएगा। अभी जब मैंने 5 मिनट बाद चेक किया तो टमाटर यहाँ हल्के हल्के पक गए हैं और अभी हमें और 2 से 3 मिनट का टाइम इन्हें पकाने के लिए और लगेगा। 3 से 4 मिनट बाद जब मैंने इन्हें चेक किया तो टमाटर यहाँ अच्छे से गल गए हैं और साथ ही बीटरूट और गाजर भी पक गया है। अब इस समय हम गैस का फ्लेम बंद करके इन्हें ठंडा करके मिक्सी में इन्हें पीस लेंगे। मिक्सर में पीसने के पहले चाहे तो आप टमाटर की स्किन भी निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ टमाटर को पीस लिया है। इन्हें अब मैं छान लूँगी ताकि टमाटर में कुछ बीजे रहे होगी या फिर बीटरूट या गाजर का टुकड़ा रहा होगा तो छलनी में अच्छे से निकल आएगा। छानने के बाद टमाटर की प्यूरी अभी तैयार हो गई है। इसे थोड़ा और पकाने के लिए और गाढ़ा करने के लिए हम इस प्यूरी को एक पैन में ट्रांसफर करते हैं। देखिए मैंने एक पैन पहले ही गर्म करके रखा है, उसमें अब मैं टमाटर की पूरी प्यूरी ट्रांसफर कर रही हूँ। बीटरूट और गाजर डालने के कारण अगर आप देखोगे तो इस प्यूरी का कलर बहुत अच्छा आया है। इसी समय मैंने इसमें 1 चम्मच शक्कर मिला ली है क्योंकि कभी कभी टमाटर बहुत खट्टे होते हैं, इसलिए हमेशा टमाटर सूप बनाते समय लाल और पके हुए टमाटर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके टमाटर ज़्यादा खट्टे हैं तो आप शक्कर थोड़ा ज़्यादा भी मिला सकते हैं। अब इसी समय मैं 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर भी मिला लूँगी और साथ ही में नमक भी मिला लेंगे। याद रखिए नमक हमने टमाटर पकाते हुए भी मिलाया है। अभी हमें सूप को और भी उबालना है, इसलिए मैं इसमें 1/2 कप के करीब पानी मिला रही हूँ। यहाँ सूप में अच्छे से उबाल आ गया है, काफ़ी अच्छा ये उबल रहा है, तो इसी समय मैं इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर मिला रही हूँ। डायरेक्ट कॉर्नफ्लोर पाउडर हम इसमें नहीं मिलाएंगे, कॉर्नफ्लोर पाउडर में थोड़ा सा पानी मिला के इसकी हम एक पतली स्लरी बना के ही सूप में मिला लेंगे। अगर आपको रेस्टोरेंट टाइप थोड़ा सा गाढ़ा सूप ही चाहिए है तो ही आप ये स्लरी का इस्तेमाल कीजिए, या फिर आप बिना कॉर्नफ्लोर पाउडर के स्लरी डाले हुए भी टमाटर सूप बना सकते हैं। कुछ मिनट उबालने के बाद टमाटर सूप एकदम गाढ़ा हो गया है। सूप की कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है, कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो इसी समय हम गैस का फ्लेम बंद करने के पहले इसमें क्रीम मिला लेंगे। यहाँ मैंने घर का फ्रेश क्रीम इस्तेमाल किया है। अगर आप क्रीम पसंद नहीं करते हैं तो इस स्टेज को स्किप कर दीजिए। क्रीम डालने से सूप में एक स्मूथनेस आ जाती है, तो मैं क्रीम डालना प्रेफर भी करती हूँ। सूप को सर्व करने के पहले क्रीम को हम सूप में मिला लेंगे। अगर आप चाहे तो इस सूप में क्रूटॉन मिला के भी सर्व कर सकते हैं। तो लीजिए हमारा रेस्टोरेंट टाइप टोमेटो सूप घर में ही बनके तैयार हो गया है।